क्या हुआ जब एक साधु को मंदिर में पुजारियों ने मारा, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। इन साधु महाराज का नाम है बामा खेपा। विशेष रूप से ये देवी काली की पूजा करने के लिए जाने जाते थे, परंतु वे माता के महान उपासक थे और इनका जिक्र श्री कृष्ण के समकालीन ही किया जाना चाहिए। बामा खेपा का नाम वास्तविक नाम बामा था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी शुरुआती युवावस्था में सांसारिक मामलों से बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण लोग उन्हें पागल कहने लगे और उनके नाम के आगे खेपा लगा दिया, जिसका मतलब होता है पागल। खेपा एक शब्द है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर तांत्रिक बवाल द्वारा किया जाता है। इसे सामान्य पागलपन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। खेपा का अर्थ वास्तव में एक महान आत्मा के तौर पर माना जाता है। बामा खेपा ने माता के तारा रूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना की और ये प्रसिद्ध तांत्रिक संत बन गए, जिन्होंने तारापीठ शमशान घाट पर अपनी साधना अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में जाना मुश्किल है और इसीलिए पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने इस प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र का दौरा किया है। तारापीठ वीरभूम जिले में स्थित, जो बवाल के घर और प्रसिद्ध वैष्णव और सशक्त संतों का जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। मंदिर के पुजारियों ने बामा खेपा को भोजन देने से किया इनकार और माँ तारा का क्रोध जब आया तो देखिए क्या हुआ। एक बार जब मंदिर के पुजारी ने बामा खेपा को मंदिर का प्रसाद देवी माँ तारा को चढ़ाने से पहले खाते हुए पकड़ लिया, वे सभी पंडित उनसे इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने उनको भोजन देना भी बंद कर दिया। इस घटना के चार दिन बाद नटोरी महाराज ने एक अजीब सपना देखा। माँ तारा उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि मैं ये स्थान छोड़ने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे सबसे प्रिय पुत्र बामा खेपा ने कुछ भी नहीं खाया है। पुजारियों ने उसे मारा, पीटा और उसे भोजन छीन लिया। यदि मेरे पुत्र को मुझसे पहले खाना नहीं दिया गया तो उसकी माँ होने के नाते मैं कैसे खा सकती हूँ। जब महाराज नींद से जागे तो उन्होंने तुरंत आदेश पारित किया कि माँ तारा के भोग से पहले बामा खेपा को भोजन करवाया जाएगा। इसके पश्चात बामा खेपा के कार्य को बाधित करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तारापीठ के ये संत बामा खेपा अपनी यौगिक शक्तियों के कारण बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। लोग दूर दूर से आते उनके दर्शन को करने के लिए। बामा खेपा ने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा कई बीमार लोगों को बिल्कुल ठीक कर दिया। एक बार एक व्यक्ति मरण स्नान स्थिति में पहुंचा। व्यक्ति तारापीठ आया, बामा खेपा के प्रसाद को मांगने लगा। बामा खेपा को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को खाना खिलाया। खाना खाते ही वह व्यक्ति तुरंत चमत्कारिक ढंग से ठीक होकर अपने घर वापस चला गया। तारापीठ में नंदा हांडी नामक एक कोढ़ रोगी से पीड़ित अछूत जाति की स्त्री रहती थी। वह अक्सर बामा खेपा के लिए भोजन बनाकर लाया करती थी। हालांकि बामा खेपा सबसे उच्च जाति के ब्राह्मण थे, परंतु इसके बावजूद वह नंदा हांडी के बनाए हुए भोजन को सहर्ष से स्वीकार कर लेते थे। एक दिन उन्होंने नंदा को भोजन के बदले में थोड़ी सी मिट्टी दी और उसे अपने घाव पर रगड़ने के लिए कहा। इसके बाद नंदा ने बताया कि उसे इस भयानक कोढ़ से मुक्ति मिल गई, उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, ऐसे कई सारे किस्से कहानियां प्रचलित है बामा खेपा के बारे में। बामा खेपा ने कुछ भी सीखा नहीं, परंतु जैसा जैसा माता ने उनसे करने को कहा वे वैसा वैसा करते चले गए। तारापीठ के इस संत ने बहुत लंबा जीवन जिया और अपनी पवित्र उपस्थिति के माध्यम से उस स्थान और उन सभी लोगों को पवित्र किया जो भी उनके संपर्क में आए। उन्होंने 1911 में महासमाधि में प्रवेश किया। दोस्तों, ऐसी महान संत साधुओं की कहानी जानने के लिए भक्ति शास्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।